हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं। छोटा छोटा वीडियो है। हम लोग रिजल्ट कैसे चेक करना है कि हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी से रिजल्ट्स किस तरह देखना है। चलिए पहले हम लोग उस वेबसाइट पे चलेंगे, हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी। इस तरह खुलेगा ये, महाराजा अग्रसेन हिमालय घरवाल यूनिवर्सिटी बोल के ये वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट कॉर्नर पर जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर है, देखिए वहाँ पर जाने के बाद स्टूडेंट्स का सेशन डाल देते हैं। जो सेशन कभी भी हम लोगों को फाइनल ईयर का डालना पड़ेगा, फाइनल ईयर का ही डालना है ऑनलाइन में चेक करते वक्त, और सिक्स सेमेस्टर डालना है और ये उसका रोल नंबर डालना है, और उसके बाद उनका जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वही उसमें डालना है उसके बाद। ठीक है, और ईयर भी मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देते हैं। रोल नंबर ऑलरेडी पहले एंटर करना ही पड़ा मैंने, अभी दोबारा एंटर कर रहा हूँ मैं रोल नंबर। जो रोल नंबर जो आपको जो एजुकेशन कंसल्टेंसी वाले ने क्या एडमिट कार्ड दे देगी, वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा ऑनलाइन नंबर यानी कि रोल नंबर, उसी रोल नंबर को हम लोग यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम उसका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इसको सबमिट करना है। ठीक है, देखो इस तरह शो हो रहा है उसका, जैसा हम लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा इसी हिसाब उसी तरह ऑनलाइन में भी मार्क्स कार्ड बोल के दिखाएगा। तो यहाँ से लेके हम लोग प्रिंट भी डायरेक्ट ले सकते हैं। जो डायरेक्ट लेने के बाद जो कैंडिडेट जिसको चाहिए वो कैंडिडेट को हम लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक 20 दिन या 30 दिन के बाद मार्कअप मिलेगा, ओरिजिनल मार्कअप। ठीक है ना भाई, इसी तरह हम लोग हिमालय घरवाल से रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो देखने से आपको धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। ठीक है, धन्यवाद।